हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैंसी पर। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको अपने सेटअप पर फीड डालते हुए दिखाऊंगा जो आपके मालूमात में फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर देखिए। एक साहब ने कमेंट्स किए थे कि आपके पानी प्यालों के अंदर काई बहुत होती है, तो इसके वेरीफाई करूँगा। काई जो है ना बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये पानी को ठंडा रखती है। असल में ऊपर जो है ना गर्मी बहुत होती है छत के ऊपर, जिसकी वजह से ये पानी गर्म हो जाता है। तो काई जो है ये कोटेड होती है, प्याले को कोट करके रखती है और पानी इसमें ठंडा रहता है। और वैसे भी काई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए मैं इसको प्यालों से साफ नहीं करता। तमाम जितने भी मेरे बर्ड्स हैं इसके सारे प्याले के प्याले काई में भरे हुए हैं, इसलिए मैं इसको साफ़ नहीं करता हूँ ताकि ये पानी ठंडा रख सके। फिलहाल बस इतना ही, और मैं फीड डालते हुए आपको दिखाऊंगा मैं फीड में क्या क्या चीज़ें डालता हूँ। ये मैं सेटअप के अंदर आ गया हूँ, ये मेरी गंदगी आप देख रहे हैं। इससे इस गंदगी से ये है कि मैं इसमें दो मग्गे पानी में डालूंगा। मैं जब भी इसको डालता हूँ दो मग्गे इसमें पानी में ज़रूर डालता हूँ इस गंदगी के ऊपर। इससे कीड़े पैदा होते हैं और फिर ये उतर के खुद कीड़े वगैरह खा लेती हैं, जिससे ये इसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन और विटामिन इनको मिलते हैं। इसी वजह से इनकी ग्रोथ और ये इसी वजह से सेहतमंद रहते हैं। तो इसलिए कोई गंदगी और ये इसका काय का कोई ऐसा मसला नहीं है। इनको जो ना ज़्यादातर ये जंगलों में भी जो रहती हैं आज़ाद वगैरह, ये कीड़े मकोड़े ये वगैरह खाती हैं, इससे इनको फ़ायदेमंद है। इसी वजह से मैंने इसको सारी गंदगी उखोड़ी है और ये मैंने नेस्टिंग रखी है। अभी आपके सामने दो मग्गे मैं इसके अंदर पानी डालूंगा गंदगी में, ताकि कीड़े पैदा हों और ये आसानी से इसको हासिल कर सकें। ये देखें मैं पानी डाल रहा हूँ इनको, दो मग्गे पानी डालूंगा गंदगी में ताकि इसमें कीड़े पैदा हों। ये पानी में डालूंगा, इससे कीड़े पैदा होते हैं। इससे पानी डालने से ये कचरा जो सब वो ख़राब हो जाता है, जिससे कीड़े पैदा होते हैं, ये इनकी गिज़ा बन जाती है जावा की। तो इसी वजह से गंदगी बेसिकली। और ये मैं अभी डाल के चलाऊँगा, ये देखें थोड़ी देर बाद ये सब उतरेंगे, इसको कीड़े ऊपर आएंगे, कीड़े सब ऊपर आ जाएंगे, इसके लिए फिर खाना शुरू करेंगे। तो ये गंदगी की वजह यही है और कोई वजह नहीं है काई को। बाकी मैं अभी इसको फीड डालते हुए दिखाऊँगा जावा की फीड क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मैं जो अपने बर्ड्स को फीड डालता हूँ मैं आपको बताता चलूँ। ये इसमें फिशर का दाना, ये लुटिनो और जावा वगैरह को भी डालता हूँ। इसमें बाजरा है, मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, सूरजमुखी के बीज हैं, और ये बारीक कंगनी भी इसमें मिक्स करके देता हूँ मैं इनको। ये अलग से है, ये बारीक कंगनी है, और ये गेहूँ जो मैंने 10 से 12 घंटे भिगोया हुआ है, अभी मैं इनको डालूंगा तो इंशाल्लाह ये बहुत नरम हो चुकी है, आराम से खा लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर शाम को फिर अपडेट करूँगा मैंने क्या रिज़ल्ट है इसका, आपको सब अपडेट करूँगा। अब मैं लुटिनो सेटअप पे आया हूँ, यहाँ पे फीड डालूंगा इनको ये, और पानी के प्याला वगैरह भी दिखाऊंगा सब कुछ। तो एक मैं आपको पहले इनको पानी का चेंज करते हुए दिखाऊंगा। और इस प्याले में भी आप देख सकते हैं काई है, लेकिन काई कोई नुकसान नहीं करती। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें लेकिन पानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, देख सकते हैं आप। इसमें भी काई है, पानी काई कुछ नहीं बोलती, पानी में ठंडा रखती है। ये मैं रख दूंगा, आज से नहीं, मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, इसी तरह ही होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। कोई बर्ड्स वगैरह कोई नहीं मरते, बल्कि इससे फ़ायदा ही होता है। अब मैं गेहूँ डालूंगा, ये लुटिनों को गेहूँ डाल के रख, और ये इनका दाना है लुटिनो का, ये दाना भी रख दिया। आज मैं इनको डालूँगा ये आपके सामने रखी हुई हरी मिर्चें, और ये कैप्सिकम
ये विटामिन से भरपूर होती है और ये इनको ब्रीडिंग के लिए मदद देती है, ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन है। और विटामिन सी है, नज़ला जुकाम से इनको महफूज रखती है। ये डालने से ब्रीड तोते ब्रीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हरी मिर्च है, मैं इनको काटूँगा, अगर मैं इनको साबुत डाल दूँगा ये उठा के ले जाएंगे मटकों के अंदर। इनको मटकों में ले जाने का बड़ा शौक होता है, ये उठा के इनको टुकड़े कर दूँगा ताकि यहीं खाएँ। और ये मैं शाम को सारी अपडेट दूँगा कि इन्होंने कितना खाया कितना नहीं खाया। अब मैं इसको काट के रखता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं बाद में आपको। और ये उठा के इसके अंदर लुटीनों के अंदर रख दूँगा। ये सब इंशाल्लाह शाम तक फिनिश हो जाएगा। शाम को फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा कि क्या पोजीशन है, और इनको खाते हुए भी दिखाऊंगा। मैं अभी दूर खड़ा जाऊँगा अभी, क्योंकि ये मैं करीब खड़े तो सब डर के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, ऊपर देखो सभी ऊपर बैठे हैं। जब मैं चले जाऊँगा फिर सब नीचे आ जाएंगे। अब मैं फ्रिजों के सेटअप पे आ गया हूँ, इनको मैं फीड डालते हुए दिखाऊंगा आपको। फीड डालूंगा इनको क्योंकि बहुत देर हो गई है, पानी यानी भी गंदा पड़ा हुआ। ये इसमें भी आपको काई नज़र आएगी, सारे प्यालों में काई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, काई से कोई मसला नहीं होगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बारीक कंगी है, इनको डालूंगा बारीक कंगी, बारीक कंगी डाल दी मैंने, ये सिर्फ बारीक कंगी नहीं खाती, बारीक कंगी डाल दी। करीब 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 जितना हो सकता। अब यहाँ फिश है लोटिनो, येलो फिश, वाइट, ब्लैक मस्कट, ब्लू पिचेस, इनके सेटअप पे आ गए हैं। अब इनको मैं जो फीड डाल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फीड डालते हैं और क्या क्या इनको क्या क्या किस तरह रखना चाहिए। ये मैंने साफ़ कर दिया, ये मैंने बता दिया, इसमें सब मिक्स है, कंगनी, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, सूरजमुखी के बीज, ये डाल दिए मैंने इनको। ये मैंने गेहूँ फेंक दिया, ये मैंने गेहूँ इसके थोड़े डाल दिए इनको, गेहूँ डाल दिया। और मैं इनको भी वही डालूँगा, मैं कैप्सिकम है मोटी मिर्च, ये विटामिन सी है, मैंने आपको बताया था ये बहुत फ़ायदेमंद है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह नहीं होता इनको उससे, और ब्रीडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्रीडिंग फार्मूला भी कह सकते हैं, मतलब ये सारी नेचुरल है, मैं कोई दवाई मेडिसिन वगैरह नहीं देता। ये सब मैं इनको कैप्सिकम वगैरह डालूंगा, मोटी हरी मिर्ची डालूंगा, और ये शाम तक इंशाल्लाह ख़त्म कर चुकूँगा, और उनको खाते हुए भी दिखाऊँगा। अभी क्योंकि डरे हुए ऊपर बैठे हुए, अब मैं जब चला जाऊँगा तो ये सब उतर के खाएंगे इनको, मैं आपको दिखाऊँगा। इनको मैं डाल रहा हूँ कैप्सिकम, मोटी मिर्ची डाल रहा हूँ इनको, ये मैं डाल दूँगा। ये मैंने इनको डाल दिए, गेहूँ डाल दिया, कैप्सिकम मिर्च वगैरह डाल दिए। अब इनका मैं पानी चेंज करूँगा, इसके बाद मैं चले जाऊँगा तो सब उतरेंगे और इसको खाना शुरू कर देंगे। अभी क्योंकि डरे हैं सभी ऊपर चले गए, अब इनको मैं आपको दिखाता हूँ, अब इनको पानी चेंज करता हूँ। ये देख लें, इसमें भी काई लगी है, काई नहीं मिटाऊँगा, सिर्फ साफ़ पानी इसके अंदर भरूँगा, बिल्कुल साफ, क्लीन क्लीन पानी होगा। ये मैं इसको भर के रख दूँगा, ये साफ़ पानी भर, ये कॉकटेल और डफों का सेटअप है मेरा।
ये 7 रखे हुए मैंने माशाल्लाह, फिर डफिंग ब्रीडिंग कर रही हैं, कॉकटेल ब्रीडिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इनके बारे में बाद में अपडेट बताऊँगा आपको, लेकिन अभी इससे फीड डालते हुए मैं आपको दिखाता हूँ फीड में क्या क्या डाल सकते हैं। ये गेहूँ डालेंगे इनको, गेहूँ डाल दिए इनको मैंने, और ये बाजरा कंगनी डाल दी, थोड़ी सी बारीक कंगनी डाल दूँगा इनको, थोड़ी बारीक कंगनी डाल दी इनको। और ये प्याला देख सकते हैं, ये पानी साफ़ होगा, फ्राई तो होगी लेकिन पानी बिल्कुल साफ़ होगा। ये कोई इशू वाली बात नहीं है और ना ही कोई इशू बनाना चाहिए, इससे कोई ये फ़ायदेमंद है, काय फ़ायदेमंद है, फ़ायदा रहता है, कोई नुकसान नहीं है। अब हम मुर्गियों के पास चलते हैं। ये मुर्गी हैं, दाना पानी डाल रहा हूँ मैं, ये पानी डाल रहा हूँ, ये पानी डाल दिया। ये 3 चूजे छोटे लिए थे, माशाल्लाह बड़े हो गए। अच्छा अभी बस ये भी बता दूं मैं आपको कि दाना वाकई में महंगा है, कंगनी बाजरा ये सब चीज़ें बहुत महंगी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये आप बिल्कुल आधा कर सकते हैं। अगर ये 5 किलो खा रही हैं सब चीज़ें, तो मैं कम से कम 2 किलो के अंदर इनको ले आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा इनकी फीड अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इनको क्या देना चाहिए, और ये बिल्कुल खाएँगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके सारे परिंदे 5 किलो खाते हैं तो वो 2 या 2.5 किलो पर आ जाएंगे, ऐसी मैं फीड बताऊँगा, उसकी नेमुल वजह बताऊँगा कि वो चीज़ खाएँगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मज़ीद मैं मालूमात और देता जाऊँगा, क्योंकि फीड के बारे में फीड में मैंने बताया कि बहुत महंगी है, इसको बिल्कुल मैं आधा कर दूँगा, और सारे परिंदे वो फीड भी बड़े शौक से खाएंगे। मैं आइंदा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बताऊँगा तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा वीडियो में आप देख सकें मैं क्या बताऊँगा।